क्लाइंट आपसे पूछ सकता है क्या आप डिस्टिलेशन कॉलम में या फिर हीट एक्सचेंजर में या प्रेशर वेसल में या हीटर में या रिएक्टर में या वाल्व रिमूविंग में या फीड फैन में काम किए हैं। मित्रों, आप जिस इक्विपमेंट में आप बोलेंगे कि इसमें काम किए हैं तो उसी से रिलेटेड क्लाइंट सवाल जवाब पूछता है, और यदि आप लगभग सही जवाब दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो चले मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस से रिलेटेड क्लाइंट के द्वारा पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस आंसर को याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि रिफाइनरी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं? तो मित्रों, आपका जवाब होगा रिफाइनरी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। पहला स्टैटिक इक्विपमेंट्स बताएं, यानी कि जिसके पार्ट्स घूमते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, जैसे कॉलम हो गया, हीट एक्सचेंजर्स हो गया, प्रेशर वेसल हो गया, हीटर हो गया, रिएक्टर हो गया, ये सब क्या है, स्टैटिक इक्विपमेंट है। दूसरा नाम बताएं रोटरी इक्विपमेंट, यानी जिसके पार्ट्स रोटेट करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, जैसे मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कंप्रेसर हो गया, फैन हो गया। तो इस प्रकार से 2 तरह के इक्विपमेंट रिफाइनरी के अंदर पाए जाते हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट और दूसरा रोटरी इक्विपमेंट। तो आपका जवाब होगा स्टैटिक इक्विपमेंट और रोटरी इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज इन रिफाइनरी प्लांट्स? रिफाइनरी प्लांट्स में किस प्रकार के हैमर हम लोग यूज करते हैं? तो मित्रों, रिफाइनरी प्लांट्स में ब्रास यानी कि पीतल के हैमर यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनसे स्पार्क उत्पन्न होने का चांस नहीं होता है। तो जब स्पार्क उत्पन्न नहीं होगा तो फायर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कन्फाइन स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? तो मित्रों, इसका जवाब आप दे सकते हैं, कन्फाइन स्पेस में ऑक्सीजन लेवल 19.5% से लेकर 23.5% के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट, बाय विच गैस इज ऑपरेटेड इम्पैक्ट रिंच, यानी कि इम्पैक्ट रिंच को चलाने के लिए कौन गैस यूज करते हैं? तो इसका आंसर आप दीजिए, एयर यानी कि हवा। नेक्स्ट, लिस्ट आउट एट लीस्ट 2 एनी पाइप फिटिंग, यानी कि किसी 2 प्रकार फिटिंग के नाम बताएं, पाइप फिटिंग के नाम बताएं। तो आपका जवाब होगा मित्रों, फ्लैंज, एल्बो, निपोल, कपलिन, टी, रिड्यूसर इत्यादि, इसमें से 2 कोई आप बता दें। 2 पूछता है तो 2 बताएं, 3 पूछता है तो 3 बताएं, ज़्यादा ना बताएं, जितना पूछा जाए क्वेश्चन उतना ही का जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट, बोल्ट्स कितने प्रकार के हैं, केवल नाम बताएं। तो आंसर है मित्रों, हेक्साडोनल या मशीन बोल्ट्स, स्टड बोल्ट्स, एंकर बोल्ट्स, आई बोल्ट, एलिन बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, PNID का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बता सकते हैं मित्रों, PNID का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। नेक्स्ट, डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ HSE? क्या आप HSE का फुल फॉर्म जानते हैं? तो आप जवाब दीजिए, यस, इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SCBA, SCBA का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका
फुल फॉर्म होता है मित्रों, सेल कंटेन ब्रीदिंग एपर्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, टेल देयर नेम, वाल्व कितने प्रकार के हैं इनके नाम बताएं। तो आप नाम बता सकते हैं मित्रों, बाल वाल्व, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, चेक वाल्व, निडल वाल्व, एंगल वाल्व, कंट्रोल वाल्व इत्यादि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्केट, गैस्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जवाब दीजिए, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ गैस्केट्स। फर्स्ट मेटालिक गैस्केट, सेकंड नॉन मेटालिक गैस्केट एंड थर्ड सेमी मेटालिक गैस्केट। मित्रों हमेशा याद रखें कि क्लाइंट जितना पूछता है उतना ही जवाब दे। जैसे कि मान लीजिए कि मेटालिक गैस्केट नॉन मेटालिक या सेमी मेटालिक है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाया जाए तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में आएंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर क्लाइंट आपसे केवल नाम पूछता है तो केवल नाम ही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल एनी टू टाइप ऑफ फ्लैंज जॉइंट्स गैस्केट, क्या आप दो तरह के गैस्केट के नाम बता सकते हैं जो फ्लैंज जॉइंट में यूज होते हैं। तो आप बोलिए यस। तो कौन कौन है भाई, स्पाइरल उन मेटालिक गैस्केट, रबर गैस्केट, आरटीजे रिंग टाइप गैस्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल नेम ऑफ ए फ्यू टाइप ऑफ ट्रीज, ये कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ ट्री के नाम बताएं। तो आपका आंसर होगा मित्रों, बबल टॉप ट्री, वाल्व ट्री, चिमनी ट्री, सीव ट्री, बेफल ट्री, ट्यूबवेल फ्लोर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर वेंटिलेशन इन वेजल और कॉलम्स, अर्थात कॉलम और वेजल्स में वेंटिलेशन के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट का नाम बताएं। तो आप बताइए मित्रों, एग्जॉस्ट फैन और इजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ टाइप्स ऑफ पर्जिंग, पर्जिंग का नाम बताएं। तो पर्जिंग मित्रों कई तरह का होता है, जैसे आप बोल दीजिए स्टीम पर्जिंग, नाइट्रोजन पर्जिंग, कार्बन डाइऑक्साइड पर्जिंग, इनर्ट गैस पर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ बोल्ट्स आर यूज इन बटरफ्लाई वाल्व, यानी कि बटरफ्लाई वाल्व में किस तरह के बोल्ट्स यूज होते हैं। तो इसका जवाब है मित्रों, आप देख सकते हैं, मशीन बोल्ट्स एंड स्टड बोल्ट्स आर यूज इन बटरफ्लाई वाल्व, यानी कि बटरफ्लाई वाल्व में मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर इक्विपमेंट्स यूज इन हाइड्रो टेस्ट, हाइड्रो टेस्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो आपका जवाब होगा मित्रों, कंप्रेसर, हाइड्रो टेस्टिंग पंप, मैनिफोल्ड, प्रेशर गेज, पीएसबी, प्रेशर होज, वाटर होज, टेफ्लॉन, एनआरवी, निपल्स, वाल्व्स एटीसी। अगला क्वेश्चन हो सकता है, हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर हीट एक्सचेंजर। तो इसका जवाब होगा मित्रों, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। नंबर वन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, नंबर टू डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, नंबर थ्री प्लेट्स हीट एक्सचेंजर और नंबर फोर एयर कूलर या फिर फिन फैन हीट एक्सचेंजर। तो इस प्रकार चार प्रकार के हीट एक्सचेंजर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट बोल्टिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज हॉट बोल्टिंग। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं मित्रों, कि ऑपरेशन के पहले बोल्ट का प्री सर्विसिंग जब करते हैं, यानी कि एक एक बोल्ट को खोलकर
और उसका सर्विसिंग कर फिर टाइट करते हैं, फिर दूसरे बोल्ट को खोलते हैं, फिर सर्विसिंग कर टाइट कर देते हैं ताकि शट डाउन के अंदर कम समय लगे। तो इस प्रक्रिया को हॉट बोल्टिंग कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।